गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैंने बनाया है चिकन टर्की टिक्का, जिसका जो लेयर होता है अपर लेयर वो पूरा मोज़रेला चीज़ से रिलेटेड रहता है, और उसमें मिल्क बटर ये सब चीज़ें ऐड होती हैं। तो आइए देखते हैं हमने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले हमने मैगी क्यूब लिया है, चिकन लिया है। चिकन मैंने यहाँ पे 600 टू 700 ग्राम्स चिकन लिया है। सबसे पहले हम बोल में टमाटर प्योरी ऐड करेंगे। मैंने सिर्फ टमाटर को पीसा है मिक्सर में। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच दही ऐड करेंगे, बिना पानी की दही है। उसके बाद इसमें चिकन का मसाला जो आता है रेडीमेड वो ऐड किया है। ये सारे मसाले हैं लाल मिर्ची, काली मिर्च और जायफल और नमक, ये हम डालेंगे, और ज़ीरा पाउडर भी है भुना हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने यहाँ पर। इसके बाद हम इसमें जैतून का तेल ऐड करेंगे, ये 2 चम्मच तेल है चिकन में मॉइस्ट पैदा करने के लिए। ये 2 चम्मच क्लियर विनेगर है जो हम चाइनीज़ में यूज़ करते हैं। नमक इस हिसाब से डालें बिकॉज मैगी क्यूब में भी नमक होता है। 1 चिकन मैगी क्यूब ऐड कर देंगे हम, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे अच्छे से, एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब इस पेस्ट में हम हमारा चिकन ऐड करेंगे। चिकन में अच्छे से मैरिनेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज मैरिनेट जब तक नहीं होगा तब तक चिकन अंदर से अच्छा टेस्ट नहीं देगा, कच्चा कच्चा रहेगा। तो हम पकाने से लगभग 1.5 से 2 घंटा पहले मैरिनेट करेंगे, ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए। अब हम इसे मैरिनेट होने रख देंगे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्रीम। तो क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने नॉनस्टिक पैन लिया है, उसमें हमने 100 ग्राम्स बटर ऐड किया है। बटर को मेल्ट करेंगे अच्छे से। मेल्टेड बटर में हम 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे, उसको क्रीम टेक्सचर लाने के लिए। ध्यान रहे, मैदा डालते ही जो बटर है वो जलने लगता है, तो कंटिन्यूसली हमें उसको स्टिर करना है और अच्छे से उसे पकाना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे उसके बाद हम उसमें 3/4 कप दूध ऐड करेंगे। एक साथ पूरा दूध नहीं डालना है, 2 से 3 बार करके हम उसमें दूध ऐड करेंगे। इतना ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर रहेगा तो हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। तो ये मैं सेकेंड टाइम दूध ऐड कर रही हूँ। इसमें टोटल 3/4 कप दूध यूज़ हुआ है। इस तरह से क्रीमी टेक्सचर रेडी होने के बाद हम इसमें जायफल का पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। नमक का हिसाब रखें, बिकॉज़ जो हमने मैरिनेशन के लिए चिकन रखा है उसमें भी नमक है, तो हिसाब से नमक ऐड करेंगे। तो ये हमारा जो क्रीम है ये रेडी हो गया है, इसको हम साइड में रख के चिकन की प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम नॉनस्टिक पैन में 1 से 2 चम्मच तेल लेंगे, नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद हम इसमें हमारा जो मैरिनेटेड चिकन है उसको ऐड करेंगे। इसके बाद हम चिकन की जो भुनाई ऐसे करेंगे, चिकन की भुनाई जब तक करेंगे जब तक चिकन अपना तेल ना छोड़ दे। तो जैसा कि देख सकते हैं इसे भून रहे हैं हम, और भूनते भूनते चिकन जो है ऑटोमेटिकली गल जाएगा, तो फ्लेम मीडियम रखना है। इस तरह से ये तेल छोड़ने लगेगा। जब ये तेल छोड़ने लगे तो समझ जाएं कि चिकन जो है वो रेडी हो गया है, और ग्रेवी इसकी इस तरह से रहेगी। अब जो हमने वाइट सॉस रेडी किया था उसका लेयर हम इसके ऊपर कोट कर देंगे। वाइट सॉस की थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना उसका टेस्ट नहीं आएगा और वो ग्रेवी फॉर्म हो जाएगा।
गैस को हम स्लो ही रखेंगे, गैस नहीं बंद करना है। पूरा वाइट सॉस का लेयर हमें प्रिपेयर करना है चिकन के ऊपर। इसके बाद हमें मोज़रेला चीज़ यूज़ करना है। मैं यहाँ पे अमूल डाइस चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसका पूरा कोट हमें, मतलब पूरा लेयर जो होगा वो मोज़रेला चीज़ से हम कवर करेंगे, इस तरह से पूरा एंड टू एंड हम चीज़ से कवर कर देंगे। मैं थोड़ा टेस्ट के लिए स्लाइस चीज़ का भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसलिए। तो एक से दो स्लाइस चीज़ भी मैं इसके ऊपर ऐसे लेयर रख रही हूँ। एंड एट लास्ट हम थोड़ा गार्निश कर देंगे कोरिएंडर लीफ से। एंड आप चाहें तो उस पर ओरिगैनो का भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका कवर ढक देंगे एंड स्लो पे 2 to 3 minutes हम इसे पकने देंगे ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। सो चीज़ मेल्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रहा है ये इस टाइम। बस ऐसा दिल कर रहा है कि बस जल्दी से खा लें। तो आइए अब हम इसे सर्व करेंगे। ध्यान रहे कि जब भी हम इसे खाएं तो ये एकदम गरम होना चाहिए, गरम में ही इसका मज़ा है। अदरवाइज़ ठंडा हो जाएगा तो जो उसका चीज़ है वो पूरा जम जाएगा, तो उसका जायका नहीं आएगा। तो अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा चीज़ी हो रहा है ये इस टाइम। माशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।